जी की स्पीड भी बहुत अच्छी है, यहाँ लोग देखेंगे कोई हंसेगा नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कोई हंसेगा नहीं। देखिए 11 सेकंड में अमेजिंग इलाहाबादी चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टेबल पर इस समय आप लोगों के सामने चाउमीन रखी हुई है, वो भी बहुत बड़ी बड़ी प्लेट में रखी हुई है और बहुत जायकेदार बहुत मजेदार चाउमीन रखी हुई है। तो इसका मतलब आज जो चैलेंज लगा हुआ है चाउमीन का चैलेंज लगा हुआ है, यह चैलेंज छाता बाजार में लगा हुआ है और इस चैलेंज को कैसे पूरा करना है आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चाउमीन और नूडल की प्लेट लगी हुई है, तो आज हमारा नूडल का चैलेंज है और एक मिनट में जो एक प्लेट खत्म कर लेगा उसको 500 रूपये पुरस्कार मिलेगा। तो देखते हैं इस चैलेंज में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है और कौन विनर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। जैसे कि बता रहे हैं पवन जी आज जो चैलेंज लगा हुआ है एक मिनट में एक पत्तल जो यहाँ पर एक पत्तल में चाउमीन रखी हुई है अगर इसे एक मिनट में समाप्त करते हैं तो 500 रूपये के नगद पुरस्कार है। और एक से पहले चैलेंजर के रूप में भैया जी आए हैं, क्या नाम है आपका? दूधनाथ। कहाँ के निवासी हैं? धरौता। धरौता की धरती से चलकर आए हैं दूधनाथ जी और बहुत गजब मुस्कुरा रहे हैं और हमारे चैलेंज को स्वीकार किए हैं। अगर एक पत्तल में जितना लगा हुआ है चाउमीन अगर आप खा लेते हैं एक मिनट में तो आपको 500 रूपये का नगद पुरस्कार मिलेगा। और दूधनाथ जी पहले चैलेंजर के रूप में आए हौसला दिखाए तो हम चाहेंगे दूधनाथ जी के लिए एक बार सब लोग ताली स्वागत करेंगे। ताली बज गई है दूधनाथ जी के लिए। तो देर न करते हुए पवन जी टाइम लगा हुआ है शुरू हो जाइए, चालू कर दीजिए टाइमर को। टाइमर चालू हो चुका है, दूधनाथ जी खाना भी चालू कर दिए हैं और ये देखिए पहली बाइट जो है मुंह में डाल चुके हैं। बहुत बढ़िया आराम आराम से खाते रहे। आधी चाउमीन बाहर करके खा रहे हैं आधी अंदर करके खा रहे हैं। नहीं नहीं खाते रहे अपने अपने स्पीड से पूरा 100% दिखा रहे हैं। देखते हैं कितनी चाउमीन तक खा पाएंगे या 500 रूपये की राशि लेकर जाएंगे या चाउमीन खा कर जाएंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं हम चाउमीन के प्लेट में चले जाएं। देख लीजिए बच्चे कैसे झुके जा रहे हैं और पीछे जाओ। दूधनाथ जी और थोड़ा सा इंजन की स्पीड आपको लेना पड़ेगा, चटनी भी ले सकते हैं आप, पानी आपके सामने रखा है। नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, चटनी कोई भी चैलेंजर ले सकता है, पानी जितना मन कहे उतना यूज कर सकता है। आपका समय इस समय समाप्ति की ओर समाप्त हो गया है आपका समय। और ये देखिए कैसे मुंह फुला के खा रहे हैं और आराम से खा लीजिए, आराम से खा लीजिए। इसको ले जाइए, नहीं खाना हो तो घर पैक करवा के ले लीजिए उसको। कैसे भैया सिस्टम है? एक तो पवन जी जैसे कि आप देखे पहले चैलेंजर के रूप में दूधनाथ जी आए और बेहद परिश्रम किए और चाउमीन की प्लेट खत्म नहीं कर पाए और देखते हैं अगले चैलेंजर के रूप में कौन आते हैं और कितनी तक चाउमीन तक जा पाते हैं और क्या फिनिश करके 500 रूपये की राशि लेकर जाते हैं या चाउमीन खा कर जाते हैं। तो देखते हैं तो जैसे कि देख रहे हैं अगले चैलेंजर के रूप में भैया जी आए हैं, क्या नाम है आपका? रामदेव। कहाँ के निवासी हैं? बोड़ीपुर धरौता से चलकर आए हैं रामदेव और हमारे चैलेंज को स्वीकार किए हैं और खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो पवन जी क्या आपको लगता है रामदेव जी फिनिश कर लेंगे? रामदेव जी अगर एक मिनट में प्लेट खत्म कर देंगे तो आपको 500 रूपये पुरस्कार मिलेगा। शुरू हो जाइए, चालू हो चुके हैं। चलिए ठीक है, जैसे जैसे इच्छा हो वैसे खाइए, समय समय आपका बीत रहा है यार, खाइए ना। रुक जा, चलिए हाँ चलिए आपके लिए जो है समय चालू हुआ था, आप 10 सेकंड बाद खाए हैं तो 10 सेकंड आपको आगे मिल जाएगा। एक मिनट 10 सेकंड पे इनका टाइम समाप्त होगा। इनके पास 40 सेकंड का टाइम है। बहुत बढ़िया कर रहे, पानी लेते जाइए, पानी भी आप ले सकते हैं। दस सेकेंड आपके पास है आराम से और पानी का उपयोग कर सकते हैं आराम से, आप खाइए अभी आपके पास समय समाप्त हो चुका है। ताली बजा दीजिए भैया रामदेव जी के लिए।
कम से कम इतना हौसला तो किए। जैसे कि देख रहे हैं भैया जी, अगले चैलेंजर के रूप में आए हुए हैं और हमारे चैलेंज को स्वीकार किए हैं। क्या नाम है आपका? अनूप। कहाँ के निवासी हैं? धरौता की धरती से चलकर आए हैं, जहाँ से दूधनाथ जी आए थे। देखिए धरौता की लाज बचती है कि जाती है, तो देर न करते हुए पवन जी टाइमर चालू कर दीजिए। टाइमर चालू हो चुका है और गजब का यार, इस समय चाउमीन खाया जा रहा है। बहुत बढ़िया हौसला दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया हौसला दिखा रहे हैं। हौसला दिखा नहीं रहे, 500 रुपए लेके जाने के फिराक में हैं और हमको लगता है लेके जाएंगे 500 रुपए। 15 सेकंड आप खर्च कर चुके हैं, 17 सेकंड पानी आप अपने हाथ से उठाएंगे, तब तो समय नहीं आप बर्बाद करेंगे। तो चलिए चलिए चलिए, 30 सेकंड आप खर्च कर चुके हैं, 30 सेकंड आपके पास बचा हुआ है। देखिए इस समय आप खड़वा इंजन लगाने की जरूरत आ गई है। नहीं नहीं, अपने हिसाब से खाएंगे, अगर इनको लगता है कि इसमें बना है अपने बगल में, और अपने अपने हिसाब से 100% कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और इस समय आपके पास केवल 10 सेकंड बचा हुआ है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। चलिए भैया आप आराम से खा लीजिए, बढ़िया बनी है, कोई दिक्कत नहीं जो खाने में, खा लीजिए, ले जाइए उसको आप खा लीजिए। तो जैसे कि देख रहे हैं आप, इस छाते बाजार में जो हमारा चैलेंज लगा हुआ है, अमेजिंग चैलेंजर, अमेजिंग इलाहाबादी चैनल के जो फंड मैनेजर संजय जी हैं, वो भी आ चुके हैं हम मुस्कुराते हुए। तो हम अगले चैलेंजर के रूप में भैया जी आए हैं, आइए इनका परिचय कराते हैं। क्या नाम है आपका? जटायु महाराज। आए हैं कहाँ से? आए हैं सराय खानदेव की धरती से आए हैं। जटायु महाराज जी आए हैं, पंख फड़फड़ा के उड़ गए हैं, मतलब जीत कर ही गए हैं। तो आज देखते हैं चौमिन चैलेंज में आए हैं और चटनी वगैरह पहले से तैयार कर लिए हैं। तो जटायु जी शुरू हो जाइए। तो जटायु जी चालू हो जाइए। और जटायु जी जितने चैलेंज में आए हैं आज तक अभी हारे नहीं है, और जटायु जी की स्पीड भी बहुत अच्छी है, यहाँ लोग देखेंगे कोई हंसेगा नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कोई हंसेगा नहीं। देखिए 11 सेकंड में गई कि नहीं, बहुत गजब का। पानी ले लीजिए, चटनी भी ले सकते हैं, आपके पास दोनों चीज रखी हुई है। देखिए हौसला अगर रखेंगे तो सब कुछ हो सकता है, यही अभी आधा समय से ज्यादा पड़ा हुआ है। अगर कहा जाए तो बफर में जाते हैं लोग, हाँ। चोरी चोरी छच्छा सात सात प्लेट चाउमीन खा जाते हैं, कहा जाती है कुछ पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ कह रहे हैं डर रहे हैं यहाँ पे। और जटायु जी आज आए हैं तो हौसला दिखाए हैं, लेकिन जटायु जी अब स्पीड की ज्यादा जरूरत है आपको। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, खत्म कर लेंगे, 10 सेकंड का समय बचा हुआ है। भैया आपके पास इस समय समय केवल 2 मिनट बचा, 2 सेकंड बचा है, जल्दी से लीजिए। ताली बजाइए यार जटायु जी के लिए, आज पंख इनका पूरा नहीं निकल पाया, जितना निकला है लेकिन सबसे ज्यादा खाए हुए हैं जटायु जी, ये देख लीजिए। चौमिन बढ़िया, जटायु जी आए हौसला दिखाए, काफी क्लोज चले गए, लेकिन जटायु जी के बाद कोई और हौसला दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस चैलेंज को यहीं से समाप्त करते हैं, जो चौमिन बची है बच्चों में आराम आराम से बांट देंगे। जैसे कि देख रहे हैं जब चैलेंज हमारा समाप्त हो जाता है तो जो सामान बचा रहता है वो बच्चों में वितरण कर दिया जाता है। तो यहाँ पवन जी बच्चों में इस समय वितरण कर रहे हैं, और बच्चे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत गजब का लाइन लगा के इस समय ले रहे हैं। हाँ सबको मिलेगा, धक्का मत मारिए, सब लोग चलो।